नील बोहर ने रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी में मौजूद नकायस की बुनियाद पर अपनी एक थ्योरी पेश की, और उसने ये थ्योरी उसने 1913 में पेश की, और उसने क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी जो कि मैक्स प्लैंक्स ने पेश की उसको अपनी थ्योरी का मरकज़ बनाया। क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी में एक लफ्ज़ क्वांटाइज्ड है जिसका मतलब होता है मखसूस एनर्जी। तो बोहर की एटॉमिक थ्योरी को समझने के लिए हमें एक हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करना पड़ेगा ताकि हम उसकी एनर्जी को और उसकी थ्योरी को समझ सकें। फर्स्ट कहें, एक हाइड्रोजन एटम है जिसका सबसे करीबी न्यूक्लियस से सबसे करीब शेल से न्यूक्लियस तक का फासला आर है, और इसी में एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। उसकी पहली थ्योरी के मुताबिक हाइड्रोजन एटम एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रेडियस आर में गर्दिश करता है और ये गोल ऑर्बिट होता है। दूसरी थ्योरी, दूसरा उसका पॉइंट ये है कि हर ऑर्बिट की एक मखसूस एनर्जी है जो कि क्वांटाइज्ड है, यानी कि एनर्जी में ना तो इजाफा होता है ना कमी होती है, जैसा कि रदरफोर्ड की थ्योरी में था कि इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल एनर्जी खारिज करते रहेंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे आखिर, ये उसका नुक्स था। तो उसने इसका जवाब में ये थ्योरी पेश की एनर्जी लेवल का, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में गर्दिश करते हैं। एनर्जी लेवल की, और हर एनर्जी लेवल की अपनी एक मखसूस एनर्जी होती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में गर्दिश कर रहे होते हैं ना तो उनकी एनर्जी कम होती है ना ज़्यादा, बल्कि उस एनर्जी लेवल के बराबर ही रहती है। अब अगला पॉइंट यह है कि अब एनर्जी कम या ज़्यादा कब होती है, यानी जज़ब या खारिज कब होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा तब ही एनर्जी या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, या जज़ब होगी या खारिज होगी। जो के जो शेल न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम है, और जैसे जैसे वो दूर हो रहा है उसकी एनर्जी बढ़ रही है। के शेल की एनर्जी एल शेल से कम है, तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन के शेल से एल शेल में जाएगा तो वो एनर्जी जज़ब करेगा। एनर्जी जज़ब करने के बाद वो एक नए शेल में दाखिल हो जाएगा जो कि इस एनर्जी लेवल की मखसूस एनर्जी है। जब तक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल की एनर्जी के मुताबिक नहीं आ जाता तब तक वो एनर्जी जज़ब करता रहेगा, और पहुंचने के बाद जज़ब करना बंद कर देगा और रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह एनर्जी खारिज कब होती है, जब एक हाई एनर्जी लेवल के शेल से एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पर जाता है तब वो एनर्जी खारिज करता है ताकि वो इस एनर्जी लेवल की मखसूस एनर्जी में समा सके और रिवॉल्व कर सके। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी यहाँ खारिज होती है। इसको हम यूं इस इक्वेशन से बयान कर सकते हैं, डेल इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। ये ई टू ई वन क्या है, ये असल में इस एनर्जी लेवल इस शेल की मखसूस एनर्जी है जो मैंने कहा था क्वांटाइज्ड है, ई वन है, और ये इस शेल की एनर्जी है जिसको मैंने ई टू कहा था। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगाकर यहाँ जाएगा तो उसकी एनर्जी में चेंजिंग आएगी, और वो चेंजिंग ई टू माइनस ई वन के बराबर है, यानी कि जो एनर्जी वो जज़ब करेगा उसकी एनर्जी में यही चेंजिंग आएगी जो एनर्जी वो जज़ब करेगा। इस तरह जब वो खारिज करेगा तो उसकी एनर्जी में चेंजिंग वही आएगी जो एनर्जी खारिज होगी, और ये एच म्यू के बराबर है प्लैंक्स की थ्योरी के मुताबिक। प्लैंक्स की थ्योरी के मुताबिक डेल इज इक्वल टू एच म्यू होता है, इसको म्यू पढ़ेंगे, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। जिसकी कीमत होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10^-34 जाउल सेकेंड, और ये एनर्जी की सॉरी रोशनी की फ्रीक्वेंसी है। आखिरी पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में गर्दिश कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम हो
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। जिस तरह लीनियर मोमेंटम होता है पी इज इक्वल टू एम बी, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। और चूंकि इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं तो उनका मतलब यह है कि उनमें मोमेंटम भी होगा, और वो मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू होता है एन एच ओवर 2 पाई के। यहाँ एन एक नंबर है और ये नंबर उसके ऑर्बिट को जाहिर करता है, यानी कि ये इसका नंबर है, इस ऑर्बिट का नंबर है 1, इस ऑर्बिट का नंबर है 2, और इस तरह फर्दर हम आगे जाते जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे। ये 2 पाई दायरे 2 पाई और एच ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और इस तरह हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं।